मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के साथ तेज धूप और धूल मिट्टी ने लोगों को परेशान कर दिया है। इस समय दिन भर की तेज धूप और सूखी हवा के साथ साथ टूटी सड़कों पर उड़ने वाली धूल मिट्टी से सांस लेने में परेशानी हो रही है। इस बीच सोमवार को राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, जिससे चिलचिलाती गर्मी का एहसास हो रहा है। उमस और गर्मी के चलते लोग दिन भर असहज महसूस कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती के अनुसार भोपाल और प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। हालांकि रात के समय कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रदेश के अन्य जिलों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्मी की समस्याएं और बढ़ सकती हैं। सोमवार को भोपाल का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान में उछाल के साथ 21.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इस वजह से रात में ठंडी हवाएं का चली। प्रदेश के पचमढ़ी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 अक्टूबर के बाद रात के तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। इस दौरान रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच सकता है। हालांकि दिन में तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। दीपावली तक भोपाल और प्रदेश के अन्य हिस्सों में गुलाबी ठंडक की दस्तक देने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही सर्दी के एहसास से मौसमी बीमारी बढ़ सकती है। इस समय भोपाल की क्लाइमेट लोगों को परेशानी दे रहा है। गर्मी और उमस के कारण स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि मौसम में बदलाव और रात के तापमान में गिरावट की संभावना लोगों के लिए राहत का संकेत है। उम्मीद है कि दीपावली तक मौसम में सुधार होगा और ठंडी हवा का अनुभव लोगों को गर्मी से राहत प्रदान करेगा। इस मौसम में लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वे शरीर को ठंडा रखने के लिए भरपूर पानी पिएं, हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें और धूप में बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। ऐसी ही खबरों के लिए देखा रहे लोकल 18।